चल चल। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल विराट किसान बिजनेस में। आज हम बात करेंगे खीरे की खेती के बारे में। खीरे खेत में आखिर इतना फूल किस तरह लग गया है, देख सकते हैं आप कितने अच्छे से फूल लगा हुआ है। फूलों से बिल्कुल भर चुका है खेत और कितने अच्छे से सभी पेड़ स्वस्थ दिखाई दे रहे होंगे। तो आखिर इसमें कौन सा खाद डाला, कौन सी दवाई का स्प्रे किया है, उस सब के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपको हर आने वाले वीडियो के बारे में पता चलता रहे। आज देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले आप खेत देखें, खेत कितने अच्छे से हो रहा, सभी पेड़ स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। देखें आप कितना अच्छा खेत है। आपको इस खीरे की खेती में सबसे पहले देख सकते हैं, इसमें सबसे पहले आपको अच्छी तरह से बीज बोने के बाद में इसके 8 से 10 दिन के बाद एक बार गुड़ाई कर दे और एक बार जुताई कर दे छोटे ट्रैक्टर से। छोटे ट्रैक्टर से आप बीच में ही नालियों के बीच में जुताई करें और पेड़ों की अच्छी तरह से खुरपी से गुड़ाई कर दें। सिर्फ एक बार ही काफ़ी है इसकी गुड़ाई और जुताई, ज़्यादा ना करें, एक बार ही काफ़ी है। और फिर उसके बाद आप पानी का ध्यान रखें इसमें, और इसमें आपको सबसे ज़्यादा पानी का ही ध्यान रखना होगा खीरे की खेती में। देख सकते हैं आप कितने अच्छे से खेत बना हो। आपको खीरे की खेती मचान विधि से ही करनी चाहिए। मचान विधि से आप देख सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा उत्पादन हो जाएगा। और मचान विधि से सबसे बड़ा फ़ायदा आपको यह होगा कि जो आपके बेल हैं वो ऊपर चढ़ जाएंगी और इससे आपके जो फल है वो बीमारियों से बचा रहेगा, बीमारियाँ कम लगेंगी और उत्पादन भी बहुत ज़्यादा होगा नीचे की अपेक्षा। अगर आप इसको नीचे करते हैं तो आप इसको मचान विधि से ही करें। और आपको क्या ध्यान रखना है, जब ये मचान पर आप बेलें बड़ी सी हो जाएं तो इनको आपको ये ध्यान रखना है, इन बेलों को अच्छी तरह से मचान पर लाते रहें ताकि इधर उधर ना जाए। सभी बेलों को आपको अच्छी तरह से मचान पर करके रख देना है ताकि ऊपर मचान पर अच्छी तरह से चली जाए, और इनको अच्छी तरह से आपको ऊपर रखते रहें ताकि आपको इसमें अच्छी तरह से उत्पादन देखने को मिलेगा और अच्छी तरह से फल फूल लगेगा और ये बीमारियों से भी बचे रहेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये खेत एकमात्र 1 महीने का हुआ है और 1 महीने में ये आप देख सकते हैं किस तरह से फूलों से भर चुका है। बिल्कुल देख सकते हैं आप खेत बिल्कुल फूलों से भर रहा है और सभी पेड़ स्वस्थ हैं कतई। आपको इसमें ध्यान रखना है पानी का, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा पानी से। आपको देख सकते हैं खेत में पानी आया हुआ है, पानी आपको तकरीबन 1 दिन छोड़ करके 1 दिन के बाद लगा देना है पानी। पानी का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होगा, खीरे की खेती को पानी की बहुत ज़्यादा विशेषता होती है इसमें। और आप देख सकते हैं इसमें कितने अच्छे से पूरा खेत स्वस्थ है, बहुत ही स्वस्थ खेत दिखाई दे रहा है। आपको इसमें जो दवाई और खाद का यूज करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको दवाई आपको एसीटा 20 ग्राम 25 लीटर पानी में और बम्पर 40 ml 25 लीटर पानी में उसका स्प्रे कर दें। इससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाई देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे खेत में इसका हमको बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाई दिया है। इस दवाई का आप स्प्रे कर दें और जो खाद इसमें फर्टिलाइज़र हमने डाला था वो इसमें NPK और फंगीसाइड में सफिलाइजर पाउडर फॉर्म में आता है एक, उसको मिला करके अपने खेत में डाल दें, जिसका फ़ोटो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। उसका कितनी मात्रा में लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसको आपको 1 एकड़ में 100 किलो NPK और 1 किलो सफिलाइजर फंगीसाइड मिला करके उसको डाल दें। आपको जो खाद डालना है वो इधर जो खाद डालना है वो आपको बिल्कुल जड़ में नहीं डालना, आपको थोड़ा इससे इधर की साइड डालना है, बाहर की साइड, बिल्कुल जड़ पर नहीं डालना खाद। उसको थोड़ा थोड़ा करके आप इधर को छिड़कें क्योंकि अब इसकी जड़ें नीचे तक फैल चुकी हैं। आप इसको थोड़ा आउटसाइड ही छिड़काव करें खाद का, इससे वो अच्छी तरह सारी जड़ों में लग जाएगा। आपको इन बातों का इनमें विशेष ध्यान रखना है। और अभी तक जैसा कि 1 महीने का ये खेत हुआ है इसमें लगभग 3 स्प्रे हुए हैं और 3 बारी इसमें खाद डाला है और इससे हमें बहुत ही फायदा हुआ है। आपको अपने खेत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, टाइम टाइम पर स्प्रे और खाद डालते रहें, इससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाई दे। आपको इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, इसका मचान आपको बहुत अच्छे से बनाना है, मचान का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। देख सकते हैं आप कितना ये ग्रो कर रहा है, इनके बेलों का बहुत ज़्यादा लोड आता है मचान पर। और आपको देख सकते हैं अभी ये और भी ग्रो करेंगी बेलें,
इनका बहुत ज़्यादा लोड आने वाला है मचान पर, आप इसलिए इसको पहले ही बहुत मजबूती से बनाएं। आपको अच्छे वाला तार लेना है और अच्छा बांस लेकर के इसमें अच्छी तरह से आप इसको बनाएं ताकि आपका ये टूट ना जाए। इसको बहुत मजबूती से बनाएं और बहुत ज़्यादा इसमें आपको ध्यान रखें, मचान बनाते वक्त आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बहुत ही मजबूती के साथ आप मचान बनाएं ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत ना आए बाद में फिर।